तो यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ मोशन यहाँ पे हमें अभी दिए जाएंगे उसमें हमें बताना है कि ये मोशन क्या है स्ट्रेट लाइन मोशन है सर्कुलर मोशन है या ऑसिलेटरी मोशन है तो यहाँ पे देखो जो मोशन है गिवन है मोशन ऑफ योर हैंड्स वाइल्ड रनिंग जब हम रन करते हैं तो हमारे पास जो हैंड का मोशन होता है उसका हमें बताना है कौन सा मोशन होगा तो आप देख सकते हो लेट से हमारे पास कोई एक पर्सन है इस ट्रैक पे हॉरिजेंटल ट्रैक पे रन कर रहा है पर्सन इस तरह से है पे इसका दोनों हैंड आप देख सकते हो जो परसन का हैंड इसको मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ ऐसे जाएगा तो ये मेन पोजिशन गई तो ये पर्सन क्या करता है इस हैंड को एक बार ऐसे देखो ऊपर ले जाता है फिर देखो नीचे ले जाता है तो इसका हैंड का मूवमेंट इस मीन पोजिशन से दोनों तरफ ऊपर नीचे होता रहता है एक बार देखो हैंड ऊपर जाएगा फिर देखो हैंड इस मेन पोजिशन से नीचे लौट के आता है तो इस तरह से जो हमारे पास हैंड कंटिन्यूसली एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में बार बार एक फिक्स पॉइंट के अबाउट ऊपर नीचे मोशन कर रहा होगा तो इस तरह के मोशन को ऑसिलेटरी मोशन बोला जाता है ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है जैसे आपने पेंडुलम देखा होगा सेम यही प्रोसेस होता है एक पेंडुलम जिसको मेन पोजीशन से थोड़ा सा आप डिस्प्लेस करके छोड़ देते हो तो पेंडुलम कभी यहां पर जाता है फिर यहां उतनी डिस्टेंस दूसरी तरफ भी जाता है तो इस तरह के मोशन को क्या बोला जाता है ऑसिलेटरी मोशन मेन पोजिशन से देखो एक्सट्रीम पोजिशन पे जाएगा फिर वापस लौट के आएगा, फिर वापस देखो मेन पोजिशन पे लौट आएगा तो इस तरह के मोशन को क्या बोला जाता है ये हमारा ऑसिलेटरी मोशन होता है तो वही तो यहाँ पे सेम हो रहा होगा जब पर्सन रन कर रहा होगा तो उसका जो एक हैंड होता है देखोगे एक बार ऊपर जाता है फिर एक बार नीचे जाता है ठीक तो ये अपवर्ड एक्सट्रीम पोजीशन होगा डाउनवर्ड एक्सट्रीम पोजीशन होगा ये वाला जो सिचुएशन होगा ये मीन पोजीशन होगा तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में बार बार इसे मीन पोजीशन को पार कर रहा होगा और इस मीन पोजीशन से ऊपर नीचे इसके हैंड लगातार एक फिक्स डिस्टेंस तक ऊपर नीचे जा रहे होंगे तो इस तरह के मोशन को हम कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन